हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपनी बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसमें हमने कल पढ़ा था कि इसमें लेखक को मींस कि जो राइटर था उसको एक टेबल मिलता है, एक डेस्क मिलता है जिसमें जो कि उसको समुंदर के किनारे पर मिलता है और जो बहुत हार्ड हो चुका होता है, ख़राब हो चुका होता है। जब वो उसको खोल के देखता है तो उसके अंदर से उसको एक लेटर मिलता है और जिस पे उसका लेटर जिसको देना था उसका एड्रेस होता है। और आज हम उसमें पढ़ेंगे कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट इट वंस। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट इट्स ब्यूटिफुल मॉर्निंग आई हैव एवर सीन एज कॉल्ड एंड फ्रोसी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। उसमें क्या लिखा हुआ था, डियरेस्ट कॉनी, मैं हैप्पियर फॉर्म में तुम्हारे तुम्हें कुछ बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ घटना घटित हुई है, जो मेरे साथ हैपनिंग हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि हम क्रिसमस की मॉर्निंग को एक किसी हॉल में खड़े थे और वहाँ बहुत शांति थी, साइलेंस थी और वो मॉर्निंग थी वो इतनी ब्यूटीफुल थी और वो बहुत मॉर्निंग बहुत अच्छी थी और इतनी ठंडी और सुहावनी थी कि जैसे कि एक क्रिसमस की सुबह को होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू यू इज़ दैट फ्रिट्स बिगिन इट फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेइंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड्स हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सम सेम टू यू फ्रिट्स। क्या था कि इसमें वो जो लेटर लिख रहे हैं वो बताना चाह उसमें बता रहे हैं, ये जो लेटर था वो किसी सैनिक के द्वारा लिखा हुआ था, किसी सिपाही के द्वारा लिखा हुआ था। वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि वो समुंदर के बीच में जैसे खड़े थे और कोई आता है दूसरी तरफ से जैसे हमला करने के लिए, सिपाही जैसे लड़ते हैं दूसरी तरफ से जो भी होते हैं उनको एक झंडा वाइट फ्लैग लहराता हुआ दिखता है और वो जो लोग थे वो क्या बोल रहे थे, हैप्पी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस। इसमें एक तरफ जो है वो जर्मन के थे और जो दूसरी तरफ हैं वो ब्रिटिश के सैनिक थे। जो जर्मन के सैनिक उनको हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं तो बाद में रिटर्न में ब्रिटिश के सैनिक जो होते हैं वो भी उनको सेम टू यू कहते हैं। और उसी टाइम क्या होता है, एक मैन दिखाई देता है जो कि ब्राउन कलर का लंबा कोट पहने हुआ होता है और वाइट फ्लैग को लहरा रहा होता है। तभी उनमें से कोई बोलता है कि गोली मत मारना, डोंट शूट। और उसके बाद क्या होता है कि इन जो जर्मन के सिपाही हैं उनमें से कोई सिपाही उठ खड़ा होता है और वो क्या करते हैं, अब बोलते हैं कि अपने सिर नीचे कर लो। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेइंग अ बॉटल अबव हिज हेड। इट्स क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू। येस, बाय दिस टाइम देयर वॉज डजन ऑफ देम वॉकिंग टॉवर्ड अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ रिफिल बिटवीन देम। लिटिल प्राइवेट मॉड्स वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉय, वट आर वी वेटिंग फॉर। इसमें क्या होता है, जर्मन के जो सैनिक होते हैं वो क्या बोलते हैं कि आज क्रिसमस का दिन है, हमारे पास स्नैप्स और सॉसेज हैं, मीन्स बियर लाइक ड्रिंक और नॉन वेज है, क्या तुम शेयर करना चाहोगे। तो दूसरी साइड वाले जो सैनिक होते हैं तो वो उसको बोलते हैं येस। और वो क्या देखते हैं कि डजन ऑफ सैनिक्स, मतलब बहुत दर्जन सैनिक हैं वो उनकी तरफ ही चले आ रहे थे। इसके बाद क्या है, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज़ द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कि हम किसका वेट कर रहे हैं, आओ
देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, कोई भी रुक नहीं रहा था. आई वॉज अ ऑफिसर, वो जो लेटर को लिख रहा है वो बोलता है कि मैं उनमें से ऑफिसर था. आई शुड हैव स्टॉप देम एंड देयर एंड देन आई स्पॉज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्स टू मी. आई शुड ऑल अलोन देयर लाइन एंड अवर आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर ग्रे कॉट्स खाकी कॉट मीटिंग इन द मिडल. वो क्या बोल रहा है कि मैं सैनिक था, मैं उनको रोक सकता था बट मैंने उनको नहीं रोका. और वो क्या देखता है कि सारी लाइंस जो थी सैनिकों की वो उनकी तरफ ही आ रही थी. उनमें से कौन था, एक खाकी कोट मींस ब्राउन ब्राउन और खाकी कोट वाला जो ब्रिटिश का सैनिक था वो आपस में मिल रहे थे. और वो जो राइटर है इसमें, जो लेटर को लिखने वाला राइटर है, वो भी इसमें शामिल था. तो आगे देखते हैं क्या है. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर हु अप्रोच मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड. क्या कहती, वो क्या बता रहा है कि तुम इसको फील नहीं कर सकती मेरी फीलिंग्स को. जो दूसरी तरफ का सैनिक होता है वो हैंडशेक करता है उनसे. एंड सैड ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसका हाथ पकड़ते हैं. आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस. वो बताता है कि वो डसलडॉर्फ की तरफ से आया था. एंड नेक्स्ट लाइन इज कैपिटल जिम मैसफर्सन, आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू. वो भी उसको रिटर्न विश कर देता है. आई एम अ स्कूल टीचर, वो बताता है कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ. फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, वेस्ट इंग्लैंड में. तो उसके बाद है ओ डॉर्सेट, ही स्माइल्ड. वो बोलता है कि डॉर्सेट की, वो डॉर्सेट की तरफ से आया है. आई नो दिस प्लेस, वो कहता है कि मैं इसको जानता हूँ, इस जगह को. आई नो इट वेरी वेल, कि मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ. वी शेयर्ड माई रम राशन हिज एक्सीलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक्ड. ही स्पॉक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो अच्छी इंग्लिश भी बोल रहा था. बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूड इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड. ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल. वो क्या बोल रहे हैं कि इसको, वो इसको इतनी अच्छी तरह से नहीं जान सकता था क्योंकि उसने इसको बुक्स में ही रीड किया हुआ था इंग्लिश को. वो इंग्लिश बोल जरूर रहा था बट उसने बुक्स में से ही पढ़ी हुई थी. हिज फेवरेट राइटर, उसका फेवरेट राइटर कौन था, थॉमस हार्डी. एंड उसकी फेवरेट बुक थी वार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. उसके बाद क्या है, ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसका एक बेटा था और उसकी वाइफ थी. बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जो उसका बेटा था वो 6 months पहले ही हुआ था. आई लुक्ड अबाउट मी, देयर वर होडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर. उसको सारी जगह खाकी और ग्रे ही कुछ दिख रहा था. ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग, जो वहाँ धरती पर जो उस लैंड में जो भी लोग थे वो स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग ड्रिंकिंग खा पी रहे थे, बोल रहे थे. हैंस वॉफ एंड आई श्योर दैट वॉज लेफ्ट ऑफ यूर वंडरफुल क्रिसमस. वो उसको लगता है, सॉरी, वो बोल रहा है कि जो तुमने केक भेजा था, कोनी को बोल रहा है राइटर कि जो तुमने केक भेजा था वो उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो खा पी रहे थे. ही थॉट द मैरिजिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्ट. उसने यहाँ का जो भी खाया है उससे, उसमें से सबसे बेस्ट उसको केक लगा था. आई एग्रीड, वो बोल रहा है कि मैं भी इस बात से एग्री था. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. देयर नेवर अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी. वो बोल रहा है कि जो तुम्हारा भेजा हुआ केक था वो उसको अच्छा लगता है और वो उसको मिल बांट के खाते हैं, हंस रहे होते हैं और पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं वो. और वो क्या बोलता है, ऐसी क्रिसमस पार्टी आज तक उसने नहीं की थी, बहुत अच्छी ये पार्टी थी. उसके बाद की जो स्टोरी है वो हम अपने कल के चैप्टर में पढ़ेंगे. आज तक की जो भी स्टोरी आपकी हुई है
इसको आप प्लीज़ रीड आउट करना और इसको अंडरस्टैंड करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।